तिरंगा यात्रा है। संजीव चौरसिया जी, ऋतुराज जी, अतुल जी, पूरी पार्टी के लोग, सब लोग हम लोग इस यात्रा में हैं। नितिन नवीन जी सब लोग शुरू किए हैं और ये यात्रा दिल में तिरंगा है, हाथ में तिरंगा है, मन में तिरंगा है। देश का अमृत महोत्सव मन रहा है। सब लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी में काम करें, अपने देश का झंडा लेकर चलने में क्या दिक्कत है। खाली अपने पार्टी पार्टी का झंडा नहीं, ये देश का झंडा है जिसने अमृत महोत्सव इसलिए मना रहे हैं कि लोग, हमारे बहुत सारे बलिदानियों ने बलिदान दिया था इस आज़ादी के लिए, इसलिए हम लोग इसको मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, मन में तिरंगा है। भैया भैया तिरंगा है, देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आजादी का अमृत महोत्सव बनाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि आजादी का अमृत महोत्सव बनाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हर एक भारतवासी अपने घर पर तिरंगा लगाए और तिरंगे के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दे और साथ ही साथ आने वाले भविष्य में एक गौरवशाली भारत का जो निर्माण हो रहा है उसका संकल्प ले। हमको इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि समाज में धर्म जाति अलग भले हो पर इस तिरंगा के नीचे हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और इसी बात को लेकर पूरा देश एकजुट हो रहा है और हम सब मिलकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सर ये तिरंगा यात्रा कहां से कहां तक निकाल रहे हैं? सर, पे कहां है? आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से घर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर घर फहराने का भी काम हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनेकों लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, उनको भी याद करने का समय है और आपके माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे कि घर घर निकलकर तिरंगा फहराने का भी काम करें। बाग मीठापुर से निकलकर सतमूर्ति जा रहे हैं, यही सतमूर्ति जहाँ अंग्रेजों ने जो गोली से इन लोगों जब तिरंगा फहराने जा रहे थे तो सात लोग जो शहादत हुए थे, आज वही सतमूर्ति पे हम लोग जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। घर घर तिरंगा, भारत माता की जय, वंदे। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि तिरंगा यात्रा बहुत ही खास है क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा हो चुका है और हम लोग जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। हर घर तिरंगा का जो नारा दिया गया है उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और कहीं हद तक जो है हम लोग के कार्यकर्ता ने इस काम को किया है। सिर्फ पार्टी का झंडा उठाना ही नहीं, देश के जो तिरंगा है उसको भी उठाना चाहिए। तो लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।